ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ पेशाब के रास्ते में जलन या फिर से दर्द होने पर किन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में, देन फिर आपको आगे मैं जितनी भी चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो देखिए, ये हमारा हो गया ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम में किडनी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा राइट यूरिटर जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होती, फिर आता है हमारा लेफ्ट यूरिटर जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है, देन फिर आता है ब्लैडर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्लैडर कहने का मतलब क्या होता है, तो जो पेशाब होती है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, कहाँ पे इकट्ठे होती है, वही जो है वो ब्लैडर कहलाता है। फिर आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा कहने का मतलब पेशाब की नली, पेशाब के रास्ते में जो जलन या फिर से दर्द महसूस होती है वो यहाँ पे यूरिथ्रा में ही होती है, समझ रहे हैं आप। अब फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं काउस के बारे में, किन कारणों की वजह से पेशाब के रास्ते में जलन या फिर से दर्द महसूस होती है। देखिए, ये बीमारी कॉमनली महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, और अगर हम बात करें कारण के बारे में तो सबसे पहला आता है फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इम्प्रॉपर हाइजीन यानी कि ठीक से खाना नहीं खा पाना या फिर से डाइट को फॉलो नहीं कर पाना, ब्लैडर नॉट इम्पैटी यानी कि पेशाब जहाँ पे एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसका खाली नहीं पड़ना, हैव डायबिटीज़, डायबिटीज़ के पेशेंट में भी जो है ना वो यहाँ पे पेशाब की प्रॉब्लम हो सकती है, जलन व दर्द महसूस जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट को देखे जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में, क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बर्निंग सेंसेशन, जलन महसूस होना, पेन सेंसेशन, दर्द महसूस होना, ब्लड इन यूरिन, यूरिन में ब्लड की मात्रा आ जाना कुछ इस प्रकार से, फिर आता है क्लाउडी यूरिन, यूरिन में जो है वो क्लाउडनेस आ जाना, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल से हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल यूरिन जिसमें कोई भी ब्लड या फिर से क्लाउड जो है वो नहीं आई हुई है, ठीक है। वहीं पर जो ब्लडी यूरिन होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ब्लडी यूरिन में क्या होता है ना कि नॉर्मल यूरिन में ब्लड की मात्रा आ जाती है जिस वजह से वो हमारा ब्लडी यूरिन बन जाता है। फिर आता है क्लाउड यूरिन, ठीक है, क्लाउडनेस टाइप की जो है वो यूरिन में आ जाना। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक जान लिया ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में, किन कारणों की वजह से किसी भी व्यक्ति को पेशाब के रास्ते में जलन या फिर से दर्द महसूस होती है, एंड फिर हमने जाना कि क्या क्या सिम्टम्स यानी कि लक्षण देखे जा सकते हैं। अब हम जानने वाले दवाइयों के बारे में, इसका इलाज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी असरदार दवाइयां हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी एमोक्सिसिलिन कैप्सूल है जो कि नोवामॉक्स 500 नाम से आती है, वहीं पर ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। बाकी इसका डोज जो है वो 1 टैबलेट बीडी आफ्टर मील, बीडी कहने का मतलब कि दिन में 2 बार खाना खाने के बाद जो है वो इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। जानते हैं अगली मेडिसिन के बारे में जो कि डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल है, जैसा कि आप देख सकते हैं वहीं पर ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, और आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, तो बैक्टीरिया को किल करने में, इन्फेक्शन को ट्रीट करने में एंटीबायोटिक का हम यूज़ करते हैं। वहीं पर इसका डोज 1 टैबलेट बीडी आफ्टर मील, बीडी कहने का मतलब दिन में 2 बार खाना खाने के बाद जो है वो इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन हमारी नॉरफ्लोक्सासिन टैबलेट है,
और ये काफ़ी ज़्यादा बिकती है एवं काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है, जो कि नॉलेट 400 नाम से आती है। वहीं पर आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर IP लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिसका डोज 1 टैबलेट BD आफ्टर मील खाना खाने के बाद दिन में 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट दवाई हमारी नाइट्रोफ्यूरेशन टैबलेट है और ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जिसका डोज 1 टैबलेट BD आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। अगली मेडिसिन हमारी सिस्टोन सिरप है, सिस्टोन SF सिरप, जो कि हिमालया कंपनी की आती है। वहीं पर ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है एवं काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है, जिसका डोज 1 ml BD आफ्टर मील खाना खाने के बाद दिन में 2 बार इस मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन नीरी सिरप है और ये महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा उपयोग में ली जाती है एवं काफ़ी ज़्यादा असरदार भी मानी जाती है। जिसके यूज़ के बारे में बात करें तो UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या संक्रमण हो जाने पर किडनी को हेल्दी बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। फिर आता है किडनी स्टोन को बनने से रोकती है। जी हाँ, किडनी में स्टोन यानी कि पत्थर आ गई है तो उसे निकालने में भी मदद करती है। वहीं पर किडनी में स्टोन बन रही है तो उससे रोकने में भी ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फिर आता है पेशाब में जलन महसूस होना, तो इन सभी के इलाज में जो है वो नीरी सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स, ये सभी दवाइयाँ थी जो कि पेशाब के रास्ते में जलन व दर्द महसूस हो रही है तो उसका इलाज करने के लिए, ठीक करने के लिए इन दवाइयों का उपयोग जो है वो किया जाता है। बाकी ये सभी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा असरदार दवाइयाँ हैं। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन दवाइयों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। बाकी फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है, उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।